5 अक्टूबर 2006 इंट्रोड्यूस किया गया था भारत का पहला गरीब रथ ट्रेन, जो कि था सहरसा से अमृतसर जाने वाली गरीब रथ ट्रेन। ठीक है, ये ट्रेन चलाने का मकसद सिर्फ एक ही था, बिकॉज कम पैसे में जो एसी में सफ़र कर सकते हैं, इसीलिए ये ट्रेन इंट्रोड्यूस करवा दिया गया। ठीक है, तो ये ट्रेन इंट्रोड्यूस करवाया था श्री लालू प्रसाद यादव जी ने, बिकॉज उनको पता था कि जो एसी में सफ़र कम पैसों में नहीं कर सकते थे, उनके लिए गरीब रथ ट्रेन बहुत बेस्ट ऑप्शन होने वाला है। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग जर्नी करने वाले हैं ट्रेन नंबर 12359 कोलकाता पटना गरीब रथ एक्सप्रेस में, जो कि बहुत ही डिमांडेबल गरीब रथ रहता है बिटवीन कोलकाता एंड बिहार के बीच में। ठीक है, टोटल 550 का डिस्टेंस हम लोग करने वाले हैं कवर, और 9 घंटे के आसपास समय लेगा, और इंडिया का स्मॉलेस्ट गरीब रथ में से ये एक गरीब रथ है, बिकॉज पहले 9 कोच था, अभी फिलहाल 11 कोचेस के साथ ये ट्रेन चल रहा है। ठीक है, तो जर्नी के दौरान जो जो होगा आपका भाई करेगा आपके साथ वर्चुअली शेयर, इजीली वीडियो कर दे लाइक, चैनल में नए हो तो भाई लोग कर लो चैनल को सब्सक्राइब, और इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, बिकॉज वहाँ पे मैं अपडेट वगैरह देता रहता हूँ। यूज़र आईडी ऊपर वगैरह कहीं पे दिख रहा होगा, IRF सुबोधी बेकी अकाउंट है, पीछे देख सकते हैं कोलकाता स्टेशन, और इधर देख लीजिए तिरंगा सामने, शायद क्लियर नहीं भी हो सकता है। ठीक है, देख लीजिए। तो चलिए एक धमाकेदार हाईलाइट्स, उसके बाद प्लेटफॉर्म के अंदर घुसते, तब तक के लिए 1 2 3 हियर वी गो। गाइस, दिस इज IRF सुबोधी, वेलकम टू माय चैनल विद अ न्यू जर्नी व्लॉग। फिलहाल गरीब रथ एक्सप्रेस 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे स्टंटिंग हो चुका है। ठीक है, मैं फिलहाल सामने आके बात कर रहा हूँ, बहुत आवाज़ है, बहुत साउंड है। ठीक है, और कोच नंबर है G1, बिकॉज गरीब रथ एक्सप्रेस है तो G से मेंशन होता है। ठीक है, ये आपको बता दूँ। सीट नंबर है 76 77, बिकॉज साइड लोअर मिला और साइड मिडिल क्या होता है वो आपको कोच के अंदर जाके बताता हूँ, और लोकोमोटिव भी आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, बिकॉज कोच में जाना है, थोड़ा प्रिपरेशन भी चाहिए, थोड़ा सेटअप फेटअप करना है। ठीक है, तो लोकोमोटिव देख लीजिए, लोकोमोटिव है हावड़ा सेट का WAP 739207, बढ़िया अहंकार नहीं है भाई। ठीक है, ये है, कुछ नहीं है किया जा सकता, एक्सपेक्ट किया था बढ़िया अहंकार होगा, लेकिन कुछ नहीं। चलिए ट्रेन के अंदर जाते हैं, उसके बाद सीट दिखाते हैं और क्या क्या फैसिलिटीज़ दिया गया है, नहीं दिया गया है, वो गरीब रथ एक्सप्रेस का आपको दिखाते हैं। चलिए, रेलनी 15। तो गाइस, ये है अपना G1 कोच। ठीक है, कोच के अंदर जाते हैं, बहुत साउंड है भाई। सो गाइस, ये है, देख सकते हैं, ये कोच ना, सीट नंबर देख लीजिए, ये 76। ठीक है, ये देखिए 76 साइड लोअर और 77 साइड मिडिल। ठीक है, साइड लोअर साइड मिडिल क्या होता है आपको बता देते हैं, गरीब रथ एक्सप्रेस में साइड मिडिल साइड लोअर दिया जाता है, बिकॉज इसका जो प्राइस है थोड़ा कम है नॉर्मल ट्रेनों से मुकाबले, इसीलिए साइड मिडिल यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। नॉर्मल ट्रेनों में सिर्फ साइड अपर साइड लोअर रहता है, यहाँ पे साइड अपर साइड लोअर आपको नहीं मिलेगा, साइड मिडिल भी हमें प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो ये है सीट, बहुत बढ़िया सीट मिला है, साइड लोअर और नॉर्मल पैसेज देख लीजिए, थोड़ा इन्फॉर्मेशन बताते हैं, पहले बैग फैग रखते हैं। सो गाइस, ट्रेन डिपार्ट होने में अभी 20 मिनट के आसपास बाकी है। ठीक है, तो ट्रेन के बारे में थोड़ा जानकारी, गरीब रथ एक्सप्रेस है तो गरीब रथ में सब एसी 3 टायर कोचेस रहता है, तो आपको 2 टायर या जनरल क्लास स्लीपर क्लास आपको नहीं मिलेगा, गरीब रथ है तो आपको मिलेगा सीधा 3 टायर। टोटल 11 कोचेस के साथ ये ट्रेन हर 3 दिन रन करता है। ठीक है, ट्यूजडे थर्सडे और सैटरडे ऑल्टरनेटिव डेज में रिटर्न करता है पटना से, 9 घंटे के आसपास समय लेता है, 8:05 पे अपना डिपार्ट होगा, 5
20 या 30 पे आपको अगले दिन सुबह पटना उतार देगा। टोटल 535 का डिस्टेंस ये ट्रेन कवर करता है और सीट बढ़िया मिला है भाई। फैसिलिटी आपको दे देता हूँ, दिखा देता हूँ इस ट्रेन का। ओल्ड ICF ट्रेन है, तो वो भी मेरे साथ ट्रैवल कर रहा है। वो भी बताओ फैसिलिटी क्या है इस गरीब रथ एक्सप्रेस का। फैसिलिटी तो अच्छा है, हाँ कर्टेन है और चार्जिंग सॉकेट है और यहाँ पर देखिए और यहाँ पर AC सॉकेट है। एक चीज़ बढ़िया लगा है, मॉडिफाई किया गया है लैपटॉप मोबाइल चार्जिंग AC फैन। बिकॉज गरीब रथ है तो साइड मिडिल आपको बोल ही दिया, साइड अपर, साइड मिडिल और साइड लोअर दोनों आपको मिलेगा। और उधर उधर जैसे लोअर अपर बर्थ जैसे रहता है, लोअर बर्थ अपर बर्थ और मिडिल बर्थ जैसे रहता है उधर नॉर्मली है। और उधर आपको एक चीज़ विजिबल कर देता, उधर आपको एक आयना मिलेगा, उधर देख लीजिए एक मिरर मिलेगा, उधर भी AC वेंट है। ठीक है, कुछ ठीक ठाक ही है, थोड़ा ओल्ड है तो वो तो भाई कुछ किया नहीं जा सकता। 130 का रन मिलेगा ICF में, 130 रन और क्या चाहिए भाई। तो चलिए डिपार्चर देखें। सो गाइस निर्धारित समय से एकदम ऑन टाइम 8:05 में हम लोग रवाना हो चुके हैं कोलकाता से। ये देखिए डिपार्चर और पास में खड़ा हुआ है अपना अगरतला कोलकाता स्पेशल, वो AC स्पेशल गाड़ी, उसका भी जर्नी आप लोगों को मैं दिखाऊंगा बाद में, पहले ये जर्नी एंजॉय कीजिए आप लोग। तो गाइज आपको गरीब रथ एक्सप्रेस का वॉशरूम दिखाएंगे। वॉशरूम दिखाने से पहले सामने देख लीजिए लाइट मिरर एकदम क्लीन चकाचक, बहुत बढ़िया मेंटेनेंस, लिक्विड सोप आ रहा है, मैंने पहले देख चुका हूँ। ठीक है, इधर देख लीजिए सोप होल्डर है, वाटर डिस्पेंसर, पानी वगैरह आ रहा है। ठीक है, और इधर मुझे एक चीज़ बढ़िया लगा, यहाँ पे पिलो वगैरह ये सब कार्टन वगैरह के लिए जगह दिया गया है। और इधर हॉटकेस वगैरह ICF में दिया गया है, ये यूज़ शायद नहीं होता लेकिन फिर भी दिया गया है। ठीक है, इधर कोई आपको ओल्ड ICF है तो भाई पैसेज बहुत ही कम है और आपको कोई CCTV वगैरह कोई प्रोवाइड इसमें नहीं किया जाएगा। रीडिंग लाइट भी अंदर नहीं है बिकॉज ओल्ड ICF ट्रेन है, तो जैसा है उस टाइम के मामले बहुत बढ़िया है भाई, बहुत पुराना गाड़ी है तो इसीलिए आपको थोड़ा सा देखना है। और अंदर दिखा देता हूँ, देख लीजिए इधर वेस्टर्न स्टाइल का वॉशरूम, क्लीन चकाचक है। ठीक है, पंखा दिया गया है, लाइट भी है, इधर भी लिक्विड सोप है, वाटर डिस्पेंसर है, देखते हैं पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पानी आ रहा है। ठीक है, मिरर भी क्लीन एकदम, और मौका भी दिया गया है। ठीक है, और एक डस्टबिन भी है, इसमें स्मेल आ रहा है भाई, इसमें को पैसेंजर दादा कुछ बोलना चाहेंगे आप? नहीं नहीं, स्मेल है खाली, बस साफ सफाई बाकी सब ठीक है, सब सफाई बढ़िया।
तो गाइज अभी डिनर का टाइम है, बर्धमान जंक्शन जो है हम लोग स्किप कर चुके हैं, बर्धमान का हॉल्ट नहीं है, फर्स्ट शेड्यूल हॉल्ट है दुर्गापुर। तो फिलहाल अभी डिनर का टाइम है, तो डिनर हम लोग कर रहे हैं, हम और ओविक कर चिकन बिरयानी, देख सकते हैं 100 रुपये करके प्राइस लगा है, ठीक है। चिकन बिरयानी, 2 चिकन बिरयानी और एक्स्ट्रा राइस भी ले चुके हैं, ठीक है, बिकॉज चिकन का और आलू में थोड़ा जगह भर जाता है तो राइस कम होता है, इसीलिए एक राइस एक्स्ट्रा पैकेट करके लाए हैं। तो फिलहाल दिखाते हैं आप लोगों को, ठीक है, ये अपना राइस चिकन बिरयानी का। फूड ब्लॉगिंग वैसे तो करते नहीं है लेकिन आप लोगों के लिए करना है, ठीक है, ठीक है, चलिए। क्वांटिटी ठीक ही है, क्वांटिटी मुझे लगता है सही है, बड़ा साइज का एक लेग पीस मिला है, ठीक है, लेग पीस, ठीक है, लेग पीस मिला है। वैसे तो फूड ब्लॉगिंग चल रहा है, ठीक है, थोड़ा वो भी कैमरा ऊपर करो, ठीक है, थोड़ा राइस टेस्ट करते हैं, ठीक है, दिखाई दे रहा ना वो भी एकदम बहुत बढ़िया। ठंड हो गया है लेकिन बहुत ठंड नहीं है, लेकिन सही है, राइस भी बढ़िया है, थोड़ा आलू लेके खाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा जिसको बंगाली में बोला जाता है माखा माखी बाइट। बढ़िया, थोड़ा चिकन लेते हैं, थोड़ा आलू एक साथ, बढ़िया है, तो ठीक है, बढ़िया लगा मुझे। फटाफट कंप्लीट करते हैं और इसका जो फर्स्ट शेड्यूल्ड है हॉल्ट दुर्गापुर, वहाँ पे जाके आप लोगों के साथ करेंगे बात, तब तक के लिए फटाफट कंप्लीट करते हैं, थोड़ा टाइम लैप्स का एंजॉय कीजिए आप लोग, चलिए। गाइस लगभग 162 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद आप लोग का भाई पहुंच चुका है गरीब रथ एक्सप्रेस लेके दुर्गापुर स्टेशन को, DGR, और यहां पे ट्रेन का है सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट और ट्रेन पहुंचा है यहां पे 20 मिनट के आसपास डिले, ठीक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं है, 20 मिनट के आसपास डिले है। और दुर्गापुर के बारे में बहुत बार आप लोगों को कवर करके मैं दिखा चुका हूँ, ठीक है। दुर्गापुर पड़ता है पश्चिम वर्धमान डिस्ट्रिक्ट पे और 1855 को पहली बार इसको ओपन किया गया था, 1965 को पहली बार इसको इलेक्ट्रिफिकेशन मिला था। टोटल 5 प्लेटफॉर्म है, ऑपरेटेड बाय आसनसोल डिवीजन और दुर्गापुर बैरेज के लिए भी फेमस है। बहुत बार बहुत कोई ट्रेन लेके मैं स्टेशन कवर कर चुका हूँ और डिनर बहुत बढ़िया हुआ भाई, बहुत बढ़िया डिनर हुआ, पूरा पेट जो है पैकडअप हो गया है पेट। और स्टेशन में लाइट तो ठीक ठाक है और इधर देख लीजिए गरीब रथ एक्सप्रेस बहुत ही सुंदर लग रहा है गरीब रथ। चलिए अपना डिपार्चर देखते हैं दुर्गापुर से और इसका जो सेकंड शेड्यूल हॉल्ट आएगा आसनसोल, आसनसोल में जाके आप लोगों के साथ करेंगे बात, तब तक के लिए
बने रहे दोस्तों, डिपार्चर पे ले चलते हैं आपको। सो गाइज, लगभग 200 किलोमीटर से भी ज़्यादा डिस्टेंस कवर करने के बाद आपका भाई पहुंच चुका है आसनसोल सिटी ऑफ ब्रदरहुड स्टेशन कोड ASN। यहाँ पे स्टैंड का है 5 मिनट का हॉल्ट, और 30 मिनट गाड़ी लेट हो गया है बिकॉज गाड़ी एक बार रिवर्स, एक बार अप मेन, ऐसे करके गाड़ी आसनसोल तक आया है। काली पहाड़ी 130 मारने के बाद आ गया आसनसोल। बहुत बढ़िया रन हुआ, नहीं है एक्सपेक्ट किया था बहुत बढ़िया रन होगा क्वाड सेक्शन में, लेकिन नहीं हुआ। ठीक है, कोई नहीं, 30 मिनट के आसपास गाड़ी पहुँचा है। और आसनसोल के बारे में ज़्यादा कुछ मैं नहीं बताऊंगा बिकॉज आप लोगों को पता है आसनसोल क्या है नहीं है। और 1864 को पहली बार स्टेशन को ओपन किया गया था, 1962 को पहली बार स्टेशन को इलेक्ट्रिफिकेशन मिला था। और यहाँ पे घूमने लायक बहुत जगह है। ठंड जो है ना, बहुत बढ़िया ठंड हो रहा है भाई, और उधर तो मैंने देखा बारिश वारिश भी हो रहा था, मतलब क्या बोलेंगे, स्टेशन का पूरा माहौल भीगा हुआ था। इधर थोड़ा इधर सही है, उधर भीगा भीगा हुआ था बहुत। तो चलिए डिपार्चर देखते हैं। बहुत ठंड है, ज़्यादा कुछ मैं नहीं बताऊंगा बिकॉज आसनसोल के बारे में ज़्यादा कुछ बताने लायक फिलहाल है ही नहीं, बिकॉज आप लोगों को बहुत बार कवर करके मैं दिखा चुका हूँ। इधर कोई ट्रेन, क्या ट्रेन है, आसनसोल जयनगर। अच्छा, ये आसनसोल जयनगर कुछ LHB गाड़ी है। ठीक है, तो चलिए गरीब रथ, पहली बार मेरा फर्स्ट गरीब रथ है भाई, ट्रेवल कर रहा हूँ तो एक बढ़िया एक्सपेक्टेशन लेके मैं उठाऊँ। रन तो 130 में जो दिया था वो जुआ वाला फीलिंग है भाई, जुआ जो मेरा जुआ जो जर्नी कंपाइलेशन देखे तो उन लोगों को पता ही होगा क्या रन है। सेम ही गरीब रथ है, एक ही गाड़ी है। जुआ तो फिलहाल बंद हो गया है भाई, लेकिन गरीब रथ है तो गरीब रथ में ही ट्रेवल करेंगे। ठीक है, तो चलिए डिपार्चर देखते हैं। ऑप्शन है, टावल भी आप ले सकते हो। ठीक है, टावल का ऑप्शन भी है, अगर आप बोलेंगे तो टावल आपको वो सब करेगा। ठीक है, और इधर बेडशीट दिया गया है। ठीक है, स्कीपिंग चित्तरंजन।
गाइज हम लोग फिलहाल पहुंच चुके हैं 290 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करके मधुपुर जंक्शन स्टेशन कोड MDP और यहाँ पे ट्रेन का है 2 मिनट का हॉल्ट और 30 मिनट के आसपास जो है गाड़ी डिले पहुंचा है। मैं ट्रेन के अंदर क्यों बात कर रहा हूँ, बिकॉज बाहर देखिए लाइट फाइट नहीं है, स्टेशन में कोई लाइट ही नहीं है, लाइट चला गया, 12 बज गया, इसीलिए शायद लाइट फाइट बंद भी कर देना चाहिए, मुझे लगता है शायद इसीलिए लाइट बंद है। और अभी फिलहाल 12:30 बजे और मधुपुर जंक्शन में देखिए लाइट आ गया, बाहर जाकर बात कर रहा हूँ। ये देख लीजिए स्टेशन कूद ऐसा है। और मधुपुर के बारे में बात करूँ तो इसे इलेक्ट्रीफाइड किया गया था 1996 को, टोटल 4 प्लेटफॉर्म है। और मधुपुर से एक हमसफ़र छूटता है, कमेंट करके बताइए कौन सा हमसफ़र है भाई, कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइए, ठीक है। और ईस्टर्न रेलवे में फिलहाल हम लोग चल रहे हैं, झारखंड स्टेट है और आसनसोल डिवीज़न है। तो चलिए ज़्यादा कुछ मैं फ़िलहाल मैं नहीं बताऊँगा, कुछ के अंदर जाएंगे। और फिलहाल अभी नींद का समय है तो क्योंकि चलिए कहाँ पे नींद खुलेगा नहीं खुलेगा मुझे नहीं पता, जहाँ पे नींद खुलेगा वहाँ पे जाके आप लोगों के साथ करेंगे बात। तब तक के लिए दोस्तों गुड नाइट। इसके बाद बहुत सारा हॉल्ट है, वो हॉल्ट में ज़रूर मैं कवर करके आप लोगों को मैं दिखाऊंगा किसी और जर्नी में। तो चलिए थोड़ा नींद भी चाहिए, भाई को रेस्ट भी चाहिए ना, इसीलिए थोड़ा नींद लेते हैं। एक नींद बहुत ठंड है बाहर भाई, झारखंड में तो पता है आप लोगों को कितना ठंड रहता है। तो चलिए जैसे भी हो गुड नाइट दोस्तों फ्रॉम झारखंड मधुपुर। चलिए गुड नाइट, कल सुबह जहाँ भी नींद खुलेगा वहाँ पे जाके आप लोगों के साथ करेंगे बात। तब तक के लिए गुड नाइट। गुड मॉर्निंग गाइज, नींद तो भाई भयंकर आया है भाई। तो फिलहाल हम लोग पहुँचे हैं पटना साहिब, वो भी 10 मिनट बिफोर। 2-3 दिन गाड़ी बहुत डिले था तो आज हो गया गाड़ी बहुत बिफोर, इतना फॉग था थोड़ा, उधर उधर फॉग था थोड़ा, वो फॉग का कुछ मामला ही नहीं है, वो भी कवर करके बिफोर पहुँच गए यहाँ पे पटना साहिब पे। 2 मिनट का सिर्फ हॉल पे, 4:34 पे टाइम है, 4:36 पे डिपार्चर है, अभी 4:24 बजा है, मतलब 10 मिनट से भी ऊपर गाड़ी बिफोर पहुँचा है इधर। और नींद के बारे में बात करूँ, नींद तो भाई भयंकर आया है भाई, भयंकर मतलब भयंकर नींद आया है भाई, बहुत नींद आ गया। वो नींद कवर करके भाई अभी फिलहाल पटना साहिब पहुँचे हैं, मतलब बहुत स्टेशन को क्रॉस करते हुए अभी फ़िलहाल हम लोग बिहार पे आ चुके हैं, ठीक है। बिहार का पटना साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह के नाम के अनुसार के ये स्टेशन का नाम पटना साहिब का नाम हुआ है, ठीक है। श्री गुरु गोविंद सिंह आपको पता है, शायद नहीं पता तो आपको थोड़ा ये इन्फॉर्मेशन बता दूँ, ठीक है। टोटल 3 ही प्लेटफॉर्म है इधर, वो भी 3 प्लेटफॉर्म है ना, चार प्लेटफॉर्म है, तो छोटा सॉरी दोस्तों, टोटल 4 प्लेटफॉर्म है पटना साहिब पे। और ज़्यादा कुछ फिलहाल बताने लायक फिलहाल नहीं है, बहुत बहुत ट्रेनों का स्टॉपेज पटना साहिब पे है, ठीक है। इसका जो बाद वाला स्टॉपेज आएगा राजेंद्र नगर पटना, वो भी मैं कवर करूँगा, उसकी ये इस ट्रेन का लास्ट शेड्यूल हॉल्ट है। और आपको एक चीज़ बता दूँ, मेरा कोलकाता से लेकर पटना था, इस ट्रेन का फेयर मुझे लगा 670 रुपये, 670, ऑल क्लासेस इज 3A, थर्ड AC, इसीलिए थर्ड AC में ही आपको सफ़र करना पड़ेगा। तो स्लीपर जनरल सेकेंड AC फर्स्ट क्लास आपको गरीब रथ एक्सप्रेस में प्रोवाइड करने वाला नहीं है, पूरा थर्ड AC कोच है, तो थर्ड AC में ही आप लोगों को मिलने वाला है, ठीक है। तो चलिए जैसे भी हो इसका बाद वाला शेड्यूल हॉल्ट आएगा अपना राजेंद्र नगर पटना, तो वहाँ पर जाके आप लोगों के साथ करेंगे बात।
सो गाइज हम लोग अपना फाइनल स्टॉप पहुंच चुके हैं राजेंद्र नगर पटना स्टेशन कोड RJPB। इस ट्रेन का ये जो हॉल्ट है ये लास्ट शेड्यूल हॉल्ट है। ट्रेन जर्नी एक्सपीरियंस अभी तक बहुत ही बढ़िया लगा गरीब रथ में। थोड़ा स्पेस कम था लेकिन जो मॉडिफाई किया है गरीब रथ के अंदर ना, जो नया नया चीज़ आपको दिखाया वो बहुत बढ़िया लगा मुझे। और जर्नी एक्सपीरियंस ओवरऑल बढ़िया है। सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है इसीलिए रिक्स नहीं लूँगा। 5 मिनट के आसपास जो गाड़ी जो है ना डिले पहुँचा है। और गरीब रथ का बस बोर्ड देखिए भाई कैसा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। अभी रेड सिग्नल है, इसका बाद वाला जो हॉल्ट रहेगा पटना जंक्शन, इस ट्रेन का भी डेस्टिनेशन हो जाएगा, मेरा भी डेस्टिनेशन हो जाएगा, ठीक है। और गाड़ी आउटर पे रुका था इसीलिए गाड़ी 5 मिनट के आसपास डिले पहुँचा है। 4:44 पे अराइवल था, 4:46 पे डिपार्चर था, 2 मिनट का हॉल्ट था, 4:51 पे गाड़ी घुसाया है राजेंद्र नगर पटना। टोटल 4 प्लेटफॉर्म है और दानापुर डिवीजन है और VR State अभी भी चल रहे हैं, VR State ही चलेगा। और यहाँ से जो पटना राजधानी खुलता है आपको भी पता है, पाओबिक भी बोल रहा है सामने से। और जो राजेंद्र नगर पटना से वीडियो देख रहे हैं भाई, वीडियो को लाइक जरूर कर दे, कमेंट करे, बिकॉज पहली बार आपका भाई राजेंद्र नगर पटना कवर कर रहा है, ठीक है। ठीक है चलिए डिपार्चर पे चलते हैं अपना राजेंद्र नगर पटना। फिर W रिटर्न है, गाइज लगभग 540 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद आपका भाई फाइनली पहुंच चुका है कैपिटल ऑफ बिहार पटना जंक्शन, स्टेशन कोड PNB। और यहां पे इस ट्रेन का पहुंचने का टाइम था 5:20 और ट्रेन पहुंचा है 5:10, 10 मिनट के आसपास भी कोड टाइम पहुंचा है। और जर्नी एक्सप्रेस के बारे में बात करूँ, जर्नी एक्सप्रेस बहुत ही बढ़िया था और ट्रेन पंचुअलिटी भी बहुत बढ़िया है। बिफोर आया है गाड़ी, गरीब रथ कैटेगरी का गाड़ी है तो गाड़ी बहुत ही बढ़िया लगा मुझे। कोलकाता से लेकर पटना तक बहुत बढ़िया जर्नी मुझे लगा। और अगर आपको लगा आप मेरे साथ कर रहे थे ऐसे वर्चुअली ट्रैवल तो वीडियो कर दे लाइक, चैनल पर नए हो तो भाई लोग कर लो चैनल को सब्सक्राइब और इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, तो वहाँ पे मैं अपडेट वगैरह देता रहता हूँ। यूज़र ID ऊपर वगैरह कहीं पे दिख रहा होगा, IRFC वो देखिए अकाउंट है, जाइए भाई फॉलो कर लीजिए। एकदम टाइम कम है बिकॉज अभी मैं कुछ ही देर में रिटर्न कर जाऊँगा यहाँ से। और पटना से मैं एक ट्रेन बोर्ड करके यहाँ से निकल चुका हूँ, कौन सा ट्रेन है कमेंट करके मुझे बताइएगा ज़रूर। और पटना से जो वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है। मिलेंगे बहुत ही जल्दी बहुत ही बढ़िया ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। दिल्ली नॉर्थ ईस्ट फ्रॉम पटना जंक्शन गरीब रथ एक्सप्रेस IRFC साइनिंग ऑफ।